इतनी तो मेरी ही चलेगी गीत, पर तुम हमारे बीच में फैसला लेने का हक अब खो चुकी हो। जब चाहा तब हक दे दिया और जब चाहा तब छीन लिया। इतनी आसानी से रिश्ते नहीं टूटते, इसलिए आज आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। आप ही ने कहा था ना आपकी जिंदगी को मेरी आदत हो चुकी है। आप ही ने कहा था ना हर मोड़ हर राह पर आप मेरा साथ देंगे। कहा था ना आपने, तो आप मेरी बात सुनिए। अंगूठी पहनाते वक्त आप ही ने मुझसे कहा था ना कि हमारे कुछ फैसले तकदीर करती है। कहा था ना आपने, तो फिर क्यों तकदीर से विश्वास उठ गया आपका? बस गीत, बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी याद होती है। बंद करो अपना नाटक, बंद करो नाटक। मैं कोई नाटक नहीं कर रही, कोई नाटक नहीं कर रही, नाटक नहीं कर रही। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या करती है मेरी, क्या गलत किया मैंने? यही ना, सर झुका कर अपने परिवार वालों की बात मानती गई। उन्होंने मेरे लिए लड़का चुना और मैंने उसे मन से अपना मान लिया। भगवान से भी ज्यादा उन पर यकीन किया। उन्होंने मुझे कहा लड़का अच्छा है, तो मैं मान गई। उन्होंने कहा लड़का शादी करके तुझे कैनेडा लेकर जाएगा, तो मैं मान गई। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? जिससे मैं शादी समझ रही थी वो शादी नहीं, एक नाटक था, एक ढोंग था। इसमें मेरी क्या गलती कि वो एक रात मेरे साथ रहकर अगले दिन मुझे धोखा देकर मुझे छोड़कर चला गया। क्या मेरी गलती थी कि मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ देने के बजाय मुझे उसे भूल जाने के लिए कहा? मेरे बच्चे को गिराने को कह रहे थे। मेरी क्या गलती थी? अगर मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई, उसे जिंदगी देने के लिए
लिए अपनी जिंदगी दे दी। यहां चली आई, एक नई जिंदगी की तलाश में। वो मेरी क्या गलती थी अगर बार बार आपको अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश करी थी? अगर अचानक मैं आपके करीब आ गई, क्या गलत किया मैंने आपको सच बताकर? क्या गलती थी मेरी, क्या गलत किया मैंने? ईथ, मुझे तो लगा था तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। भी अपने इतने करीब रहते हुए भी जाकर भी हम कुछ ताले खोल नहीं पाते। क्या मेरी गलती थी कि मेरे परिवार वालों ने मेरे बच्चे को गिराने को कहे थे? ये मुझसे क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? वो बेचारी, वो मुझे सच बताने की कोशिश करती रही और मैं अपने दुख दर्द के बारे में सोचता रह गया, खुद को उसका साथ देने के लिए अपने आप को महान समझता रहा, जबकि वो अपने सारे दर्द सहन करके मुस्कुराने की कोशिश करती रही। ये मुझसे क्या हो गया, क्या हो गया मुझसे, क्या हो गया मुझसे? और आज जब उसने अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई मेरे सामने खुल के रख दी, मैं उसके सामने खड़े होकर देखता रह गया। गलती तुम्हारी नहीं थी गीत, गलती तो मेरी थी। तुम्हारी बातें ना सुनने की गलती, तुम्हें ना समझने की गलती। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें जानना चाहिए था, तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम्हारी ये हालत किसने की। किसने तुम्हें धोखा दिया है, किसने? मैं गीत से बात करूंगा, जरूर करूंगा।
आदि मेरी बात सुनो। गीत का है आदि, मैं जानता हूं जब गीत मुझसे बात करने आई थी तब तुमने उसकी मदद की थी, इसलिए बताओ गीत का है। मैं नहीं बताऊंगा सर। आदि मैं तुम्हारा बॉस हूं। जानता हूं सर, और इस बात के लिए आप मुझे नौकरी से भी निकाल सकते हैं, पर मैं फिर भी नहीं बताऊंगा क्योंकि गीत मेरी दोस्त है, और अपने दोस्त का साथ देने के लिए आपकी नौकरी तो क्या, मैं अपनी जान भी छोड़ सकता हूं। आदि मैं जानता हूं कि गीत तुम्हारी दोस्त है और तुम्हारा हक बनता है कि तुम गीत की मदद करो, मगर आदि इस वक्त तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि गीत का है, नहीं तो उन्होंने तो जाएगा। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है आदि, प्लीज आदि मुझे बताओ गीत कहाँ है, बताओ गीत कहाँ है, बोलो ना। वो दिल्ली छोड़ के जा रही, वो दिल्ली छोड़ के जा रही। हमें शाम और इस वक्त वो अपने घर पर जाकर अपना सामान पैक करे। प्लीज मत जा गीत, कुछ और नहीं तो मानसर के बारे में सोच ले, उनका क्या होगा। नहीं पिंकी, वो जितना मुझसे दूर है उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। ऐसा मत बोल यार, तेरी वजह से तो वो मुस्कुराने लगे हैं। हाँ मुस्कुराना भी सीखे और साथ साथ में लोगों को नौकरी से निकालना भी। तो क्या हुआ, एक नौकरी चली गई दूसरी मिल जाएगी यार, बस तू मत जा। पिंकी तो मेरी दोस्त है ना तो फिर मुझे कमजोर मत बना, बल्कि मेरा साथ दे। यकीन मान मेरे यहां से चले जाने में ही सबकी भलाई है। गीत, गीत! देख मानसर आ गए, वो यहां है, उसके पहले मुझे यहां से जाना होगा, मैं उनके सामने नहीं आना चाहती। गीत तू मुझे प्रॉमिस कर, तूने नहीं पता है कि मैं कहां जा रही हूं। गीत, गीत! पिंकी मुझे जल्दी बताओ गीत कहां है। सॉरी सर, मैं नहीं बता सकती। पिंकी मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस दे दूंगा, पर मुझे बताओ गीत गई कहां। सर आप मुझे मेरी दोस्त को धोखा देने के लिए रिश्वत दे रहे हो। नहीं पिंकी तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उस गलती के लिए मुझे गीत से माफी मांगनी पड़ेगी। पिंकी प्लीज, अगर आज मैंने गीत से माफी नहीं मांगी ना तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। प्लीज पिंकी मुझे बताओ गीत कहीं कहा। सॉरी सर, गीत ने मुझे कसम दी आपको कुछ नहीं बताने के लिए। एक मिनट, गीत ने तुम्हें अपने मुंह से ना बोलने को कहा था, तो तुम लिख के तो बता ही सकती हो कि गीत कहां है। हाँ मीरा, माय डार्लिंग, माय स्वीट डार्लिंग, लॉन्ग टाइम। अच्छा बताइए इतने साल आप कहाँ थी, क्या कर रही थी, और उस देव से मुलाकात हुई भी कि नहीं। हो गई दादी, और वैसे भी मैंने उसे ना बीच रास्ते ही रोक लिया। हाँ आप तो जानती हैं कि मुझसे बच के कोई जा सकता है कभी। Exactly, because I am too much, right? Right. अच्छा दादी, दादी कि वो पैल्पिटेशन वाली प्रॉब्लम कुछ हल मिला कि नहीं, मतलब इलाज हुआ कि नहीं। हो गई। Unbelievable दादी, this is great news. You mean मान और शादी। दादी कब मिल सकती हूँ लड़की से। अरे मिलवा देंगे,
इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आप आई हैं। और नयनतारा, नयनतारा से भी तो मिलना है, वो कहाँ है? मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखा दादी, अभी से इंक्वायरी शुरू। देव, तुम एक काम करो, तुम ना गेट के बाहर एक लॉग बुक रखवा लो, वहां मैं एंट्री साइन कर लूंगी, तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं कब आई, क्यों आई। क्यों दादी, राइट ना? मीरा, तुम ना सुधर जाओ। दादी, आप भी इसके साथ बैठ के हंस रहे हैं, लेकिन इतनी सुबह क्या करने आई हो तुम? क्या है ना, मैंने सोचा कि फंगाई की वाइफ ही घर पे नहीं है, तो क्यों ना मौके का फायदा उठा लिया जाए। कहाँ का टिकट चाहिए? एक ऐसी जगह जो यहाँ से बहुत दूर है, इस शहर के दरवाजे अब मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। क्या कहा आपने? जो अपनी गाड़ी उसकी टिकट दे दीजिए। अहमदाबाद सुपर फास्ट छूटने वाली है, उसका दे दूँ? जी दे दीजिए। मेरा गैस बिल्कुल सही था, नयनतारा राइट, वो या नहीं है और तुम सैड हो। लड़ाई हुई है क्या? अरे हुई है तो क्या हुआ, वापस आ जाएगी वो। You're too nice. मैं और नाइस? बिल्कुल गलत, मैं वो देव नहीं हूं मीरा जिसे तुम कॉलेज में जानती थी। इतना प्यार करते हो नयनतारा से कि उसके बिना चार दिन भी नहीं रह सकते? प्यार, प्यार को समझ पाना बहुत मुश्किल है, जो सही और गलत के मायने ही बदल दे, क्या उसे प्यार कहते हैं?